हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन टीजीटी पीजीटी स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत है आइए कुछ करते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और देखते हैं उनके सॉल्यूशंस चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है द इक्वेशन जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड का बार यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया है जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड का बार आपसे ये बोला गया है और कहा गया है कि इसके जो है कितने हल होंगे ऑप्शन है ए नो सल्यूशन बी दो हल सी चार हल या अनंत हल आपके पास क्वेश्चन है आइए इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा सो सो सिंपल क्वेश्चन का सोल्यूशन आराम से हो जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड बार है मैं कोई रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई लेता हूँ देन x प्लस आई वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का बार कैन आई राइट x माइनस आई वाई नाउ कंपेयरिंग द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई ओके अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो इसका रियल टू रियल आएगा एंड टू एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई ओके यानी टू एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू जीरो सो वाई ब्रैकेट में टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो ये क्या देता है हमको वाई इक्वल टू जीरो देता है और दूसरा एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू ओके यहाँ पे देखिए हमारे पास दो रिलेशन आ चुके हैं एक तो वाई इक्वल टू जीरो सो जिस समय हम वाई इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या देता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो ओके okay, जैसे ही मैं यहाँ पे y इक्ल टू जीरो पुट करता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन इसको जो मैंने a लिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इक्वल टू एक्स तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो देगा या एक्स इक्वल टू वन देगा और एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने पर वाई इक्वल टू जीरो तो दो सोल्यूशन मेरे पास हो चुके हैं वाई इक्वल टू जीरो होने पर मतलब एक आएगा जीरो कॉमा जीरो और एक आएगा मेरे पास वन कॉमा ज़ीरो तो दो सोल्यूशनस मेरे पास ये हो चुके हैं दूसरा केस है मेरे पास x की वैल्यू माइनस वन बाई टू अगर मैं x की वैल्यू माइनस वन बाई टू रखता हूँ किस इक्वेशन में रखूंगा इसी वाले में तो वन अपॉन फोर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बाई टू आ जाएगा सो वन बाई टू प्लस हो जाएगा और वाई स्क्वायर इधर चला जाएगा सो so, ये कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री बाई फोर यानी कि प्लस माइनस थ्री बाई टू तो वाई के भी यहाँ पर दो केसेस डेवलप हो रहे हैं कब जब एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू है मतलब एक्स की माइनस वैल्यू माइनस वन बाई टू पर वाई के दो सोल्यूशंस आ रहे हैं एक है रूट थ्री बाई टू और एक है माइनस रूट थ्री बाई टू इस तरीके से टोटल हमारे पास कितने सोल्यूशन्स हो चुके हैं चार सोल्यूशंस तो इसके करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन उठाते हैं बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन का आ गया है द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस थ्री आयोटा माइनस वन ओके किसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है माइनस थ्री आयोटा माइनस का वन तो इसको सिंपलीफाई करके मैं लिख सकता हूँ ये कितना है माइनस वन माइनस अंडरवुड थ्री आयोटा तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसके दोनों साइन माइनस माइनस है मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में जो फॉर्मूला होता है शॉर्ट ट्रिक का वो होता है आर्गुमेंट ऑफ जड इक्वल टू माइनस पाई प्लस मॉड ऑफ थीटा कर लो इसको या माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी बाई ए ओके तो माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा मॉड साइन से टेन इनवर्स रूट थ्री आ जाएगा एंड टेन इनवर्स रूट थ्री इक्वल टू पाई बाई थ्री माइनस पाई प्लस पाई बाई थ्री तो आंसर कितना आया माइनस टू पाई बाई थ्री बोले तो माइनस वन ट्वेंटी डिग्री देखिए ऑप्शन में माइनस टू पाई बाई थ्री नहीं है तो थोड़ा दूसरी अप्रोच लगानी पड़ेगी अगर माइनस वन ट्वेंटी डिग्री हम चलते हैं तो हमें यहाँ से यहाँ तक क्लॉकवाइज एंगल चलना पड़ता और वहाँ पर हम कहाँ पहुँचते नाइन्टी प्लस थर्टी माइनस में माइनस वन ट्वेंटी तो माइनस वन ट्वेंटी हमें पहुंचने के लिए ऊपर से कितना चलना पड़ेगा देखिए यहाँ से चले हम वन एट्टी और यहाँ से 60 सिक्सटी तो वन एट्टी प्लस सिक्सटी मतलब कितना हो गया टू फोर्टी और टू फोर्टी को मैं बदलूँगा रेडियन फॉर्म में तो मेरे पास कितना आएगा टू फोर्टी इंटू फाइव अपॉन वन एट्टी देट इज़ इक्वल टू फोर फाइव थ्री और फोर फाइव थ्री यहाँ पर ऑप्शन सी है तो डायरेक्ट ऑर्गूमेंट ना देकर के यहाँ पर इसने दूसरे तरीके से ऑर्गोमेंट पूछ लिया आपको इधर वाले एंगल से ओके वैसे जो प्रिंसिपल ऑर्गूमेंट होता है ऑर्गोमेंट ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू तो माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में लाई करता है बट यहाँ पर इस तरीके से पूछ लिया गया तो आप इसके लिए भी तैयार रहें ओके okay, दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी है अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एन पी आर एन एन सी आर एक तरीके से एन पी आर और एन सी आर का जो है आपसे एल सी एम पूछा जा रहा है तो आप जानते हैं कि एन पी आर और एन सी आर में कैसे सोल्यूशन निकालेंगे देखिए आप जानते हैं कि एन पी आर इक्वल टू होता है एन सी आर मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल आर और एन सी आर तो एन सी आर ही होता है ओके okay? तो यदि मैं इसका एल सी एम निकालूँ तो एल सी एम में क्या होता है जो जोड़े बनते हैं वो भी लिखा जाता है तो एन सी आर भी आएगा और जो नहीं आता है वो भी आता है तो इसका आंसर कितना आएगा एन पी आर कुछ बुक्स में इसका आंसर एन सी आर लिखा हुआ है वो गलत है एन पी आर और एन सी आर का जो आपके पास में एल सी एम आएगा वो कितना होगा एन पी आर आएगा एल सी एम ओके चलिए इसको नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं देखिए क्वेश्चन मेट्राइसिस का है मेट्राइसिस में कहा जा रहा है द मेट्राइसिस ए बी सी आर सच दैट द एडिशन मल्टीप्लीकेशन अकरिंग इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर वैलिड मतलब इस तरीके के मेट्राइसिस हैं कि सारे मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब कुछ वैलिड है मतलब ऑर्डर का कोई पंगा नहीं है तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन स्टेटमेंट सही है पहला ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी तो भाई ये तो मैट्रिक्स का कौन सा रूल है एसोसिएटिव रूल है अगर ऑर्डर वैलिड हो, तो ऐसे एसोसिएटिव रूल बिल्कुल वैलिड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है पहला वाला बिल्कुल सही है दूसरा वाला कह रहा है ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी तो अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा है तो आपको याद होगा कि मैट्रिक्स में जो होता है ये एसोसिएटिव रूल होता है मल्टीप्लाई में अगर ऑर्डर सब कुछ वैलिड हो तो ये भी वैलिड हो जाएगा तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन रूल जो होता है ए इन टू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी ये भी मैट्रिक्स में अगर वैलिड हो तो ये वैलिड हो जाता है अगर ऑर्डर वगैरह वैलिड हो बट ए बी इक्वल टू ए सी आप सोचेंगे क्या ए बी इक्वल टू सी में ए से ए काट दो क्या बी इक्वल टू सी होता है बिल्कुल नहीं ज़रूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी हो कई बार जो होता है मल्टीप्लाई सेम आते हैं बट ऑर्डर सॉरी बी और सी इक्वल नहीं होते हैं आइए देख लेते हैं एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे ये यह ए है जीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो जीरो और यहाँ पे टू जीरो जीरो ज़ीरो है और सी यहाँ पे वन ज़ीरो जीरो ज़ीरो है आप ए बी को मल्टीप्लाई करिए और ए सी को मल्टीप्लाई करिए आंसर कितना आता है यहाँ पे देखिए दोनों का मल्टीप्लाई जीरो वगैरह इसका मतलब ये देखिए दोनों इक्वल हैं ऐसा जरूरी नहीं है तो याद रखिएगा इफ ए बी इक्वल टू ए सी इट डज़ नॉट इम्प्लाईज दैट कि बी इक्वल टू सी होगा ऐसा कुछ भी नहीं है बी और सी अलग होने पर भी भी ये चीज़ वैलिड हो जाएगी ओके फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेक्टर से उठाया गया है यहाँ एग्जाम में यहाँ पे कह रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है ओके okay, तो यहाँ पे क्या खेल रहे हैं ये लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे चल रहा है तो आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो कैसे खुलेगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी पहले होता है दूर वाला और बी बाहर और फिर बी के साथ तो सी बाहर तो ए डॉट सी क्रॉस ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी इक्वल टू इधर से देखिए सी है तो सी में पहले ए के साथ बैठेगा तो ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए ओके तो यहां पे देखिए ए डॉट सी टाइम्स बी से ए डॉट सी टाइम्स बी कैंसिल हो गया बी डॉट सी टाइम्स ए माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी बाहर आ गया इसे मैं लिख सकता हूँ बी डॉट सी टाइम्स ए माइनस बी डॉट ए क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लाई के लिए ओके बी डॉट ए डॉट सी अब देखिए यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ देखिए ए जो है यहाँ पे जो है आपके पास बी सी है और बी ए है मतलब बी जो है वो क्या हो रहा है बाहर हो रहा है है ना और फिर एक बार सी के साथ है एक बार ए के साथ है तो पहले दूर वाले के साथ होता है फिर पास वाले के साथ तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी क्रॉस दूर में कौन है सी तो यहाँ पे आएगा सी और फिर यहाँ पे क्या आएगा ए तो बी क्रॉस ए क्रॉस सी ओके ये क्या बन गया अपने पास बी क्रॉस ए क्रॉस सी ओके सो बी क्रॉस ए क्रॉस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में यदि मैं इसको पलट लूँ तो मैं लिख सकता हूँ देखो ए क्रॉस सी और यहाँ पे दो चीज़ें हुई हैं दो एप्लीकेशन मैंने एक साथ एक साथ लगा दिया क्योंकि ऑप्शन में मैच कराने के लिए मैं ए क्रॉस सी को सी क्रॉस एक लिखूंगा तो ये मल्टीप्लाई का माइनस साइन आएगा और एज अ होल ये बी इधर गया है तो एक और मल्टीप्लाई आएगा तो आंसर क्या होगा सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बी सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो तो ये अच्छा क्वेश्चन है इसको भी करिए आप लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि द नंबर ऑफ रे वन प्लस साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई है यहाँ पे ओके वन प्लस साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इन माइनस पाई टू पाई तो हमारे पास जो इंटरवल दिया है माइनस पाई से पाई दिया गया है और हमें इसमें रियल सोल्यूशंस ढूंढने हैं कितने रियल सोल्यूशन यहाँ पे लाई करेंगे सो द इक्वेशन भी है पन साइन एक्स इंटू साइन स्क्यर एक्स बाई टू इक्वल टू जीरो सोन प्लस साइन एक्स इंटू साइन एस्वायर एक्स बाई टू को मैं कॉस के एक्सप्रेशन में लिख दिया वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू तो वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स और मैंने एल ले लिया तो टू वन जो टू यहाँ चला गया टू जीरो के साथ मर्ज होकर जीरो हो गया अब देखिए टू इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू जीरो ओके एंड साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस टू ये एक, एक बड़ा सा खतरनाक सा इक्वेशन हमारे पास आ चुका है अब आइए देखते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं तो मैंने क्या किया मैंने किया कि साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू मैंने टू बना लिया और टू का मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये हो गया कितना साइन टू एक्स अपॉन टू इक्वल टू साइन टू एक्स अपॉइंट टू माइनस साइन एक्स इक्वल टू टू एल्सियम ले लिया तो साइन टू एक्स माइनस टू साइन एक्स इक्वल टू फोर अब देखिए जरा इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी भाई इसकी वैल्यू लाई करेगी माइनस वन टू प्लस वन ओके इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाइक करेगी इसकी वैल्यू जो लाई करेगी साइन एक्स की वैल्यू जो होती है ना माइनस वन से प्लस वन होती है तो इसकी वैल्यू जो लाई करेगी भाई वो माइनस टू से लेकर प्लस टू तक लाई करेगी ओके okay? तो ये वन है और ये माइनस वन अधिकतम कितना हो जाएगा ये माइनस वन मतलब लीस्ट टू लीस्ट ही जाएगा माइनस वन और ये कितना जा रहा है भाई ये माइनस टू जा रहा है लीस्ट टू लीस्ट तो इसकी वैल्यू कभी फोर हो ही नहीं सकती है तो बहुत ही टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन कहूँगा मैं और इसका आंसर क्या होगा नो no सोल्यूशन तो कह रहा है कितने सोल्यूशनस होंगे तो नो मीन्स जीरो सल्यूशन इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छी रेटिंग दूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे गड़बड़ करके आएंगे सोल्यूशन ढूंढने में थोड़ी सी वो लापरवाही कर सकते हैं ओके सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन इसको बार बार करिए ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सीरीज शब्द के अक्षरों में से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं मीन्स हाउ मेनी न्यू वर्ड्स कैन बी मेक बाई यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सीरीज तो पहला क्वेश्चन तो ये है सो सो सिंपल देखिए यहाँ पे टोटल छः वर्ड्स हैं जिसमें से ई रिपीट हो रहा है ई रिपीट हो रहा है एस रिपीट हो रहा है एस रिपीट हो रहा है सो ऑल टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं फैक्टोरियल सिक्स अपॉन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू दिस इज ओके सो आंसर कितना हो गया सेवन ट्वेंटी बाई फोर दैट इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी दूसरा देखिए कह रहा है कि दूसरा कितने शब्द एस में से ख़त्म होकर एस में से समाप्त होंगे तो कंडीशन क्या हो गई इनको आपने लॉक कर दिया तो लॉक कर दिया ना तो मतलब इसमें ना सेलेक्शंस हैं ना परमोटेशंस हैं ये वन चॉइस है यहाँ पे वन चॉइस है अब इसके पास बच के कितने शब्द फोर हैं और फोर में से फोर प्लेस पे ये लोग आजू बाजू हो जाएंगे सो so, इधर आ, परमोटेट करेंगे तो कंडीशंस क्या बनी फोर पी फोर जिसमें से दो सेम है तो फोर पी फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल टू सॉरी सो फोर पी फोर ऊपर है नीचे फैक्टोरियल टू तो आंसर फैक्टोरियल फोर अपॉन फैक्टोरियल टू ट्वेंटी फोर अपॉन टू मतलब टोटल ट्वेल्व वर्ड्स हो गए अगला कह रहा पार्ट कितने शब्दों में स्वर व व व्यंजन एकांतर क्रम में आएंगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन है आपके पास टोटल छः वर्ड हैं एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच और ये आपके पास छठवा वर्ड है ओके छ लेटर है छः लेटर में आपके पास जो सीरीज है एस ई आर आई ई एस देखो यहाँ पे कितने कॉन्सोनेंट है एक कॉन्सोनेंट दू, सॉरी दूसरा कॉन्सोनेंट यहाँ पे आर है और तीसरा कॉन्सोनेंट आपके पास एस है और तीन वावल हैं आपके पास आई e, e, ओके तो चलिए देखिए तीन वावल्स हैं और तीन कॉन्सोनेंट तो पहले तीन वॉवल्स को बैठा लो या तीन कॉन्सोनेट को बैठा लो तो तीन कॉन्सोनेंट को बिठालना कितना होगा थ्री पी थ्री जिसमें से दो कॉन्सोनेंट एस सेम है तो थ्री पी थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू फिर वॉवल को जगह दे दो ओके वॉवल को जगह दे दो तीन वॉवल्स को ठीक है ना ऑर्डर मतलब रेंडमली तीन जगह तो तीन वॉवल्स को जगह दे दो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया उसके लिए मैं फिर से यहाँ आप, पे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए आपके पास जो है ल्टरनेट बिठालना आपको और टोटल आपके पास छः जगह हैं तो अल्टरनेट बिठालने के लिए आपके पास छः जगह एक दो एक दो तीन चार पाँच और छः ये छोड़ दो तो छः प्लेसेस आपके पास हैं तो छः प्लेसेस में एक यहां दो यहां और तीसरा यहाँ इन तीन प्लेसेस में आप वोअबिल को बिठा लो तो थ्री पी थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू बाकी बची हुई प्लेसेस में आप किसको बिठा लो कॉन्सोनेंट को तो थ्री पी थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू अब ये समझो कि ये अल्ट्रेशन भी हो सकता है कि यहाँ पर जहाँ पे वॉबल थे यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ जाएंगे और कॉन्सोनेट की वजह वॉबल चले जाएंगे मतलब जैसे ए यहाँ था सो सपोज ए यहाँ आ जाए और जो इधर था वो इधर चला जाए तब भी ऑल्टरनेट तो बना ही रहेगा ना तो इसलिए इसके लिए किसका मल्टीप्लाई करना है टू का सो थ्री पी थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू थ्री पी थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू मल्टीप्लाई बाई टू तो आंसर टोटल कितने लेटर आएंगे अट्ठारह लेटर सो दिस इज़ योर आंसर नाइस क्वेश्चन